नमस्ते दोस्तों, आज हम देखेंगे कि मोहम्मद साहब जब मदीना में शिफ्ट कर गए थे, उनका घर बन चुका था, मस्जिद तैयार हो चुकी थी, तो उसके बाद वहाँ पर मदीना में किस तरह की घटनाएं घटना शुरू होती हैं। इन घटनाओं को समझने के लिए आपके लिए एक शब्द समझना बड़ा ज़रूरी है। ये शब्द है मुनाफिक। इस पर मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया है, मैं वो लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसका, आप उसे ज़रूर देखिए। मुनाफिक का मोटा मोटा अर्थ ये है, वो वाले लोग जो अपने आप को शो करते हैं कि मुसलमान हैं लेकिन असलियत में मुसलमान नहीं होते हैं, कि जिनके मन में ईमान नहीं है, वो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए या झूठ बोल रहे हैं कि हम मुसलमान हैं। अरबी भाषा में एक शब्द आता है निफाक। निफाक का अर्थ है दोगलापन, कि आप अंदर कुछ और हैं और बाहर कुछ और हैं, और जिनको ये निफाक की बीमारी है या निफाक का मर्ज है, उन्हें मुनाफिक कहा जाता है इस्लाम की भाषा में। अब पैगंबर मोहम्मद साहब की जो बायोग्राफी इब्न इज़हाक ने लिखी है, वो हमें इस कुछ घटनाएं बताता है जो मुनाफिकों के बारे में है, तो हम उनको आज पढ़ के देखते हैं। ये वो टाइम है जब अभी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को वहाँ गए हुए एक वर्ष नहीं हुआ है, पहले ही वर्ष की घटनाएं हैं, कि वहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें मुनाफिक समझा जा रहा है, तो उनके साथ क्या किया जाता है वो देखते हैं। यह पेज नंबर 246 इब्न इज़हाक की बायोग्राफी का। मुनाफिक लोग मस्जिद में इकट्ठे होकर, यहाँ ये बताया जा रहा है कि जो मुनाफिक लोग थे वो मस्जिद में आते थे, वहाँ इकट्ठे होते थे, जो मुसलमान हैं उनकी कहानियाँ सुनते थे, उनकी बातें सुनते थे, और फिर उनका मजाक उड़ाया करते थे। तो एक दिन हज़रत पैगंबर मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद में पहुँचते हैं, तो उन्होंने देखा कि जो मुनाफिक लोग थे ये एक झुंड बनाए हुए एक जगह पर इकट्ठे थे और आपस में दबी आवाज़ में, दबे स्वर में कुछ बातें कर रहे थे। तो मोहम्मद साहब ने अपने जो इनके शिष्य थे वहाँ पर, उनको कहा कि ये लोग मुनाफिक हैं, इनको इस मस्जिद से बाहर निकाला जाए। अब हमारे देश में बहुत सारे ऐसे नए नए सेक्ट बनते हैं, नए नए संप्रदाय बनते हैं, जिनके कोई ना कोई गुरु होते हैं जो उनको अध्यात्म के बारे में शिक्षा देते हैं। अब आप उसको कल्पना करके देखिए कि अगर इन गुरु को या जो भी चलाने वाला है किसी संप्रदाय को, उन्हें लगता है कि कुछ लोग ऐसे आ गए हैं जो उनकी जो शिक्षाएं हैं, जो उनकी बातें, उनको नहीं मानते हैं, केवल ऊपर ऊपर से दिखावा करते हैं, तो क्या कर सकते हैं? एक तो उनको समझाने का प्रयास करेंगे, दूसरा है कि उनको शांति से कहेंगे कि आप यहाँ से चले जाइए अगर आपको पसंद नहीं आता है तो। अब देखते हैं कि मोहम्मद साहब ने इनके साथ क्या किया। अब मोहम्मद साहब के शिष्यों में से एक था अबू अयूब। सबसे पहले अबू अयूब उठता है और वहाँ पर एक अम्र नाम का आदमी था, जो अब क्योंकि वहाँ मैक्सिमम लोग मूर्ति पूजा करते थे, तो उनके जो देवी देवता थे, जो भगवान थे, उनकी देख रेख करता था, ऐसा बताया जाता है। तो आज हम इसकी तुलना या किसी ब्राह्मण से कर सकते हैं या नहीं, मेरे लिए कहना कठिन है, लेकिन कुछ कुछ वैसा था ये व्यक्ति। तो अबू अयूब उठता है और इसकी ओर लपकता है, इसके पैर को पकड़ के घसीटता हुआ मस्जिद से बाहर निकाल देता है उसे। और जब उसे खींच के बाहर निकाला जा रहा है, तो अम्र अबू अयूब से एक ही बात कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, ये अबू थलाबा का खजूरों का जो एक खेत था, तुम उसमें से मुझे खींच के बाहर निकाल रहे हो। लेकिन वो अबू अयूब उनको बाहर पटकता है, वापस अंदर आता है तो वहाँ एक और आदमी है जिसका नाम राफ़ी है, उसको पकड़ता है। इस राफ़ी ने एक लबादा पहना हुआ है, लबादे को पकड़ के उसको खींचते हुए बाहर लेके जाता है और साथ में उसके मुँह पर कुछ थप्पड़ लगाता है और उसको बोलता है कि ए मुनाफिक, पैगंबर की मस्जिद से तू बाहर निकल जा। फिर एक और मुनाफिक है जिसका नाम जायद है, जायद की दाढ़ी थी लंबी सी, उसकी ओर लपकता है उमार नाम का मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का शिष्य, वो उसकी दाढ़ी को पकड़ता है और खींचते हुए वहाँ से ले जाना शुरू कर देता है। तो वो चिल्लाना शुरू कर देता है कि तुम मेरी त्वचा को खींच रहे हो, तुम मेरी त्वचा उखाड़ दोगे इस तरह से। तो उमार उसको फिर भी दाढ़ी से पकड़ के खींच के बाहर ले जाता है। बाहर ले जाने के बाद उसकी छाती पे घूंसे मारता है और उसे कहता है, ए मुनाफिक, अल्लाह ने तुझसे छुटकारा पा लिया है, अल्लाह ने तेरे लिए इससे भी भयंकर सज़ा तैयार कर रखी है, इसलिए आज के बाद पैगंबर साहब की मस्जिद के पास भी मत फटकना। अब ये जितने मुनाफिक थे, इनमें एक छोटी सी उम्र का लड़का था जिसका नाम कायस था। तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का एक शिष्य है अबू मोहम्मद मसूद, वो इस छोटे से लड़के को गर्दन के पीछे से पकड़ता है और धकेलते हुए मस्जिद से बाहर निकाल देता है। फिर वहाँ पर एक अब्दुल्ला नाम का व्यक्ति बैठा है, उसको जब ये हुक्म सुनाई देता है कि इन मुनाफिकों को बाहर निकालना है, तो फटाफट से खड़ा होता है और अल हरिथ नाम का वहाँ पर एक मुनाफिक है, वो उसकी ओर लपकता है। इस अल हरिथ के जो बाल थे वो बहुत लंबे लंबे थे,
तो ये उसके बालों को कस के पकड़ता है, फिर उसको ज़मीन पे गिराकर वहां से घसीटता हुआ मस्जिद में से बाहर निकाल देता है। तो जो अलहरित है वो उससे कहता है कि तुम तो ये बहुत गंदा मेरे साथ बिहेव कर रहे हो, मेरे साथ बहुत गंदा व्यवहार कर रहे हो। तो वो उसको आगे से क्या उत्तर देता है, अल्लाह के दुश्मन, तेरे लिए यही व्यवहार उचित है क्योंकि अल्लाह ने तेरे लिए यही भेजा है। आज के बाद पैगंबर मोहम्मद साहब की इस मस्जिद के पास भी मत फटकना क्योंकि तुम गंदे हो। अब इसी अलहरिज का एक भाई भी वहाँ पर उपस्थित होता है, तो एक दूसरा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का शिष्य उसकी ओर लपकता है और उसको पकड़ के ज़बरदस्ती बाहर निकाल के फेंक देता है और उसे कहता है, लानत है तुझ पर, तू शैतान का काम कर रहा है, तू यहाँ से बाहर निकल जा और कभी मत आना। तो इस प्रकार से हज़रत पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपनी मस्जिद में से जो मुनाफिक लोग थे उनको बाहर निकाल दिया। पिछले लेक्चर में हमने जिहाद के बारे में थोड़ी सी बात की थी। ये जिहाद या ये जो झगड़ा है, लड़ाइयाँ हैं, वो किस तरह से आगे बढ़ती हैं उसको समझते हैं। अब ये जिहाद का या लड़ाइयों का एक वो रूप है जो मुसलमान लेखक जो हैं वो प्रस्तुत करते हैं, तो पहले आप उसको देखिए। And in the Islamic context, it means to strive against one's own evil inclination. It also means to strive to make the society better. It even includes to strive in the battlefield to fight in self-defense. Jihad also means to fight against oppression and tyranny. Jihad basically means to strive or struggle. मैं यह रेफरेंस ले रहा हूँ मुबारकपुरी की किताब में से, जिसका नाम है द सील्ड नेक्टर। इसका पेज नंबर 125 है। स्किर्मिशेस एंड प्रोवोकेशंस स्टार्टेड टू पेव द वे फॉर अ मेजर कन्फ्रंटेशन बिटवीन द मुस्लिम्स एंड पॉलीथीस्ट्स। अब ये कहना चाहते हैं कि छोटे मोटे झगड़े होने लगे थे, थोड़ी तू तू मैं होने लगी थी, जिसके कारण ऐसा लग रहा था कि मुसलमानों के बीच में और मूर्ति पूजा करने वालों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो सकता है। फिर आगे उसका एक एग्जाम्पल देते हैं कि मदीना में एक अंसार था जिसका नाम था साद बिन मुआद, जो एक बहुत पक्का बहुत कट्टर मुसलमान था। तो उसने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से कहा कि मैं उमरा करने जाऊंगा। हमारे देश में मैक्सिमम लोग नहीं जानते हैं कि हज एक बहुत पुरानी यात्रा है, इस्लाम से पहले वहाँ पर चली आ रही थी, उसी को इस्लाम ने अडॉप्ट करके कंटिन्यू किया है। और ऐसी एक जिसको छोटी हज कहा जाता है उसका असली नाम उमरा है। तो साद बिन मुआद ने कहा कि मैं उमरा करने जाना चाहता हूँ, तो मैं वहाँ जाऊँगा। अब मक्का वाले, ऐसा बताया जाता है कि इन लोगों के दुश्मन थे, तो मक्का का एक व्यक्ति है जिसका नाम है उमैया बिन खलाफ, वो ये बोलता है कि मैं इसकी सुरक्षा करूँगा जब ये मक्का में आएगा, और ये चाहे तो उमरा कर सकता है। तो मक्का वासी की सुरक्षा पाकर जो ये साद बिन मुआद है वो वहाँ पर जाता है, और काबा में जब ये परिक्रमा कर रहा है, जब वहाँ पर पूजा कर रहा है, तो वहाँ पर अम्र बिन हिशाम, जिसे इस्लाम के लिटरेचर में अबू जहल कहा जाता है, हम देख चुके हैं इसको एक लेक्चर में, वो इसे देखता है और वो कहता है कि तू यहाँ पर काबा में है, अगर यहाँ पे तू नहीं होता तो मैं तुझे जान से मार देता, धमकी देता है उसे। तो आगे जो साद बिन मुआद है वो उसको क्या करता है, वो उसे क्या कहता है कि तेरी हिम्मत है तो एक करके दिखा, हम तो तुम्हारे कारवां ही सारे के सारे रास्ते में काट देंगे। तो एक तरह से धमकी दी जा रही है। अब आप इसमें अपने आप निर्णय कर सकते हैं कि कौन है जो एग्रेसिव है, कौन है जो एग्रेसिव नहीं है। आगे सैफुर रहमान मुबारकपुरी बताते हैं, प्रोवोकेटिव एक्शंस कंटिन्यूड एंड कुरैश सेंट द मुस्लिम्स अ नोट थ्रेटनिंग टू पुट देम टू डेथ इन देयर ओन होमलैंड। दीज आर नॉट मेयर वर्ड्स फॉर द प्रॉफिट रिसीव्ड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रिलायबल सोर्सेज अटेस्टिंग टू रियल इंट्रीग्स। कि जो मक्का वाले थे उन्होंने लिखा हुआ नोट भेजा कि हम तुम्हें मारेंगे, और ये सिर्फ कोरी धमकी नहीं थी, क्योंकि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को पता लग गया था कि सच में ही इन पे हमला होने वाला है। और इस प्रिकैरियस जंक्चर पर, इस बड़ी नाजुक स्थिति में अल्लाह मियाँ ने अपनी एक आयत उतारी जिसमें उन्होंने कहा कि तुम अगर चाहो तो जिहाद कर सकते हो। ये है चैप्टर नंबर 22, सूरह नंबर 22 की आयत नंबर 39। जितने इतिहासकार हैं उनका मानना है कि पहली वो सूरह है जिसने जिहाद की परमिशन दी थी। तो अभी अल्लाह मियाँ ने मुसलमानों को अनुमति दे दी है कि तुम जिहाद कर सकते हो, तुम इनसे लड़ सकते हो। इन आयतों को पढ़ के देखते हैं क्या कहती हैं। तीन आयतें पढ़ रहा हूँ, सूरह नंबर 22, आयत नंबर 39, 40 और 41। जिन मुसलमानों से कुफार लड़ते थे, चूंकि वे बहुत सताए गए, उस वजह से उन्हें भी जिहाद की इजाज़त दे दी गई है, और अल्लाह तो उन लोगों की मदद पर यकीनन कादिर वतवाना है। ये वे मज़लूम हैं जो बेचारे सिर्फ इतनी बात कहने पर कि हमारा परवरदिगार अल्लाह है, नाहक अपने अपने घरों से निकाल दिए गए, और अगर अल्लाह लोगों को एक दूसरे से दूर दफा ना करता रहता
तो गिरजे और यहूदियों के इबादत खाने और मजूस के इबादत खाने और मस्जिद जिनमें कसरत से अल्लाह का नाम लिया जाता है कब के कब ढहा दिए गए होते, और जो शख्स अल्लाह की मदद करेगा अल्लाह भी अलबत्ता उसकी मदद ज़रूर करेगा, बेशक अल्लाह ज़रूर ज़बरदस्त गालिब है। ये वह लोग हैं कि अगर हम इन्हें रूए ज़मीन पर काबू दे दें तो भी यह लोग पाबंदी से नमाज अदा करेंगे और ज़कात देंगे और अच्छे अच्छे काम का हुक्म करेंगे और बुरी बातों से लोगों को रोकेंगे, और यूं तो सब कामों का अंजाम अल्लाह ही के इख्तियार में है। तो अपनी इन आयतों में अल्लाह मियाँ ने स्पष्ट कर दिया है कि इनको लड़ने की इजाज़त दी गई है, और वो क्यों दी गई है, क्योंकि इन बेचारों को वहाँ से मक्का से निकाल दिया गया था, इसलिए अल्लाह मियाँ ने ये परमिशन दी है, ये अनुमति दी है। और अगर नहीं देते तो यहाँ पर ये जो अलग अलग नाम आ रहे हैं मजूस के इबादत खाने, मजूस यानी जो आतिश परस्त जिन्हें बोलते हैं इस्लाम में या ज़ोरास्ट्रियन बोलते हैं, इनके बारे में जो हिस्टोरियंस हैं अलग अलग बातें बताते हैं कि जो अलग अलग लोगों के, क्रिश्चियंस के, यहूदियों के, मूर्ति पूजा करने वालों के या ज़ोरास्ट्रियंस के जो इबादत खाने थे, जो उनके मंदिर थे, वो कब के ढह गए होते। अब इस बात की पुष्टि इब्न कथीर भी करता है, वो अपनी जो उनकी तफसीर है उसके पेज नंबर 85 पे यही चीज़ स्पष्ट कर रहा है कि ये पहली आयत है जिसने जिहाद की परमिशन दी थी। तो जो जिहाद है वो अल्लाह मियाँ की ओर से ही ग्रांट किया गया है, दिया गया है। अब आप इसको ऐसे समझ के देखिए कि 13 साल मक्का में कोशिश करने के बाद जब ये मदीना आते हैं तो यहाँ पर इनके पास बहुत सारे लोग हैं जो लड़ने भिड़ने के लिए तैयार हैं, और अब अल्लाह मियाँ ने इनको परमिशन भी दे दिया लड़ने की। तो जब ये 7 महीने हो चुके थे इनको रहते हुए, घर बन गए हैं, मस्जिद बन चुकी है, अब पहला जो जिहाद के लिए एक्सपेडिशन निकलता है, इनको गज़व कहते हैं, जो अरबी भाषा उसमें उसको गज़व कहा जाता है, लेकिन इनको इंग्लिश में रेड्स बोलते हैं, कि इन्होंने कोशिश अब ये करनी थी कि मक्का से जो कारवां चलेंगे जो उत्तर की ओर जाते थे तो रास्ते में मदीना पड़ने वाला है, तो वहाँ पर इन कारवाओं को लूटा जा सकता है, इन पर हमला किया जा सकता है। विलियम मुयर हमें बताते हैं 7 महीने में मस्जिद और घर बनने के बाद मोहम्मद ने अपने चाचा हमज़ा को 30 मुहाजिरों के साथ कुरैशियों के एक कारवां पर हमला करने के लिए भेजा। इस कारवां में 300 कुरैशी थे, इनका नेता था अम्र बिन हिशाम जिसे अबू जहल कहा जाता है। इस अवसर पर जब दोनों आमने सामने हुए तो बनू जुहैना का मुखिया मजदी बिन अम्र बीच में आ गया, उसने बीच बचाव करा के इस लड़ाई को टाल दिया। सैफुररहमान मुबारकपुरी इसके बारे में बताते हैं, इसका नाम दिया गया सैफ अल बहर प्लाटून, और वो आगे बताता है ऑन दिस ओकेजन द प्रॉफिट एक्रेडिटेड द फर्स्ट फ्लैग इन द हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम्स, इट वॉज वाइट इन कलर एंड वॉज इंटरेस्टेड टू किनास बिन हुसैन अल घनवी टू कैरी। तो पैगम्बर मोहम्मद ने इस गज़व के लिए, इस हमले के लिए एक सफ़ेद रंग का झंडा दिया था, और ये पहला है, पहला वो झंडा है जो मुसलमान लेके गए थे। अब ये वाला हमला सफल नहीं हुआ, इसमें मुसलमानों के हाथ कुछ नहीं लगा, तो 1 महीने बाद एक दूसरा हमला किया जाता है। इसमें जो अटैक करने वाले हैं, जो मुस्लिम जो ग्रुप है, उसमें 30 की बजाय अब 60 लोग हैं, और इनका लीडर अब हमज़ा नहीं है, इनका लीडर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का एक दूसरा कज़न है जिसका नाम उबैदा है। अब जिस कारवां पर हमला करना था उसमें 200 कुरैशी थे जिनका मुखिया था अबू सुफियान। रबीक नाम की घाटी में जब मुसलमानों को ये कारवां मिला उस समय कुरैशी अपने ऊँटों को चरा रहे थे और हमले के लिए तैयार नहीं थे। मुसलमानों ने उन पर दूर से कुछ तीर चलाए जो कुरैशियों तक नहीं पहुँचे। इस्लाम की तारीख में उबैदा को इस्लाम की ओर से पहला तीर चलाने का गौरव प्राप्त है जो इस टाइम पर उसने चलाया था। लेकिन ओवरऑल जो हमला है वो सफल नहीं हुआ, क्योंकि उधर 200 लोग थे और ये केवल 60 लोग थे, तो मैच नहीं था, इसलिए ये हमला भी असफल रहा। 1 महीने बाद फिर इनको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एक और कारवां निकल रहा है। ये कारवां छोटा था तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने 20 लोगों को भेजा, और उन्हें बताया गया कि रास्ते में एक रबीक नाम की घाटी आती है, वहाँ पर इन लोगों को पहुँच के वेट करनी थी और इस कारवां पर घात लगा के हमला करना था। तो 4-5 दिन का समय था। अभी जितने भी गज़व हो रहे हैं या हमले हो रहे हैं, इनका पैटर्न ये था कि रात को ये लोग चलते थे, दिन में रेस्ट करते थे ताकि पता ना चले। तो जब ये लोग 4-5 दिन इस तरह से छिपते छिपाते वहाँ पहुँचे रबीक घाटी में,
तब तक कारवां वहां से निकल चुका था, इनके हाथ नहीं आया, तो ये तीसरा हमला जो था ये भी सफल नहीं हो सका। इसके बाद जो अगला हमला है उसमें मोहम्मद बिन अब्दुल्ला स्वयं जाते हैं। अबवा नाम की जगह है जहां पर इन्होंने घात लगा के हमला करना था, लेकिन एक बार फिर से जब तक ये वहां पहुंचे कैलकुलेशन ठीक नहीं था, तो जो कारवां था वो ऑलरेडी निकल गया था, तो जो गजवा था वो सफल नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया, उस इलाके में आसपास दो तीन कबीले थे, उनके साथ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने एक संधि समझौता किया। इस एग्रीमेंट के बारे में, संधि के बारे में सैफुर रहमान मुबारकपुरी बताते हैं, दिस इज़ अ डॉक्यूमेंट फ्रॉम मोहम्मद द मैसेंजर ऑफ अल्लाह कंसर्निंग बनी दमरा इन विच ही एस्टैब्लिश्ड देम सेफ एंड सिक्योर इन देयर वेल्थ एंड लाइव्स। तो जो कबीला उसका नाम बनू दमरा है, जिसके साथ ये समझौता किया जा रहा है, और समझौता कौन कर रहा है, रसूल अल्लाह मोहम्मद, और इस दस्तावेज के अनुसार उन्होंने इनको जीने का अधिकार दिया है। दे कैन एक्सपेक्ट सपोर्ट फ्रॉम मुस्लिम्स अनलेस दे अपोज द रिलीजन ऑफ अल्लाह। तो जो बनू दमरा के लोग हैं वो मुसलमानों से सहायता की उम्मीद कर सकते हैं जब तक कि वो मुसलमानों के मज़हब का विरोध नहीं करते हैं। दे आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली इन केस द प्रॉफिट सॉट देयर हेल्प। इसके साथ ही अगर जो पैगंबर है वो इनसे सहायता मांगेंगे तो इनको सहायता करनी पड़ेगी, ये इस संधि का क्लॉज है। अब ये समझौता ये था कि ये जितने कबीले हैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इनकी सहायता करेंगे और ये लोग मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की सहायता किया करेंगे। तो एक तरह से अगर आप इसको समझें कि जो मक्का वालों के लिए रास्ता है वो पहले से ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है, एक तो ये लोग तो हमले कर ही रहे हैं और साथ ही साथ ही अपनी वहाँ पर इन्फ्लुएंस, जो अपना प्रभाव है, उसको धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कबीलों को अपने साथ जोड़ते जा रहे हैं। और जब ये इस हमले पर निकले थे तो लगभग 15 दिन तक मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को मदीना से बाहर रहना पड़ा था, और 15 दिन के लिए उन्होंने जो उनके पीछे नमाज करानी है, जो भी काम करने हैं, उनके लिए हमज़ा को अपॉइंट किया था, हमज़ा को नियुक्त किया था। तो ये पहले वर्ष में किए गए गजवे थे या हमले थे जिनमें से कोई एक भी सफल नहीं हुआ। अगली बार हम देखेंगे कि जब दूसरा वर्ष शुरू हुआ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के पलायन के बाद का, जिसे हिजरत दूसरा वर्ष कहा जाता है, तब क्या हुआ वो हम अगली बार जानेंगे। नमस्ते।